वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए दिन की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो फोक लाइट है वो मेरी ख़राब हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ करोलबाग, और करोलबाग में जाके दिखाता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। एक्चुअली क्या है कि जब उसका हम बटन प्रेस कर रहे हैं, फोक लाइट का जो बटन होता है, 3 in 1 बटन जो मैंने इंस्टॉल कराया था, तो वो जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो हल्की हल्की जल की और फिर एकदम से ब्राइटनेस दे रही है, कभी तो बिल्कुल ही नहीं जल रही। इसलिए जब कभी नाइट में ट्रैवलिंग करते हैं या अमूमन ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लाइट नहीं होती, विजिबिलिटी हमारी जो अपाची की है वो थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि उसको जलाऊँ और रोड में अच्छी जो विजिबिलिटी होती है वो इन फोक लाइट से अच्छी हो जाती है। तो मैंने जलाया तो वो जली नहीं, और मैं टूर पे गया था, अभी आपको बताना भूल गया, और जल्दीबाजी में मोबाइल जो है वो मैंने माउंट नहीं करा हेलमेट में। सुबह का 4:30 बजे रहे थे, इतना खास अच्छा व्यू भी नहीं दिखता, बट हाँ आपको मैं बीच में वो क्लिप भी दिखाऊंगा और वो नज़ारे भी दिखाऊंगा उत्तराखंड के जहाँ मैं गया था। तो फटाफट अभी चलते हैं बाइक में और चलते हैं करोलबाग, और वहाँ जाके टेक्नीशियन को दिखाते हैं। जो मैंने आपको बताया था जो टेक्नीशियन है वो गोलू हैं, और उनकी दुकान जो है वो करोलबाग नाईवाला में आर्य समाज रोड पे 18/5 पे सिचुएटेड है, नियर बाई SBI बैंक के पास में। तो वहाँ चलते हैं फटाफट, और हमने उनसे बात भी कर ली है और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले ली है, तो चलते हैं वहाँ और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराते हैं। गाइज ये देख सकते हैं, ये बाइक है मेरी वाइट मॉन्स्टर, इसका मैंने नाम रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसकी जो ये फोक लाइट है ना, ये थोड़ा सा ग्लो कम कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ इग्निशन ऑन करके। अभी भी आप फोक लाइट जलाएं ना तो ऑन करके ही जलाएं, खाली मत जलाइएगा। क्यों? क्योंकि उससे बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। 1 lap का जो ट्रैकिंग डिवाइस होता है, सॉरी, वो हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मैं बंद कर देता हूँ। 1 lap का ट्रैकिंग डिवाइस ये बहुत ही बेहतरीन है, इससे आपकी गाड़ी की लोकेशन तो मिलती ही मिलती है, आपको एक बढ़िया सेफ्टी भी मिलती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैंने बटन ऑन कर रखा है और ये कैसे जल रही है, देखते रहिए, अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ग्लो कर देंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये कर रही है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये देखिए, ये पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, तार दबी हुई है या क्या है, ये देखिए, बहुत प्रॉब्लम आई गाइस, बहुत प्रॉब्लम आई। और फटाफट आप चलते हैं इसको लेके और इसको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है, वायरिंग चेंज करानी है या क्या चेंज कराना है, चलते हैं और वहाँ पे इसको दिखाते हैं। गाइस मैं उत्तराखंड गया था 4:30 बजे के आसपास, तो उस समय तो ठीक जल रही थी, आधे रास्ते में जाते के साथ ही ना, मतलब गाज़ियाबाद की साइड जाते के साथ ही ये बंद हो गई, हल्की हल्की ऐसे ही जलमुज करने लग गई, ऑन ऑफ, तो प्रॉब्लम हुई मुझे काफ़ी। तो इसको चलते हैं लेके और दिखाते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी क्यों, आई होप आपको नज़ारा अच्छा दिख रहा होगा, सब कुछ क्लीन,
और गाइज अगर आप अपाची से थोड़ा लॉन्ग रूट करते हैं ना, तो आपके ये पाम और इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैं सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि मैं इसमें हैंडल राइजर लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर लेते हैं सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे जाते हैं ना गाइस, तो इसमें हाथ में पाम में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज गाइस मैं आपको बताऊं, अपाचे बहुत अच्छी है, अच्छी पावर है और भागति भी अच्छा है। हाँ थोड़ा सा जो पीछे वाला रेडियल टायर जो है वो थोड़ा सा स्लिपली है, जो आपके बाइक के साथ में जो आता है रेडियल टायर वो थोड़ा सा स्लिपरी है। मैंने कई जगह पे थोड़ा सा ब्रेक मारी है और कई जगह पे वो स्लिप भी हुआ, तो वो भी मैं चेंज कराऊंगा, थोड़ा सा बड़ा टायर डलवाऊंगा इसमें। इसमें 130 का है टायर, मैं 140 का डलवाऊंगा, तो थोड़ा सा अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी और रोड पे आराम से आप चला सकते हैं, ब्रेक मारिए कुछ भी मारिए। और आगे का भी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 110 या 100 का डलाऊँ, क्योंकि ये 90 का है, तो शायद आगे वाला भी जब गड्ढे पे जाता है तो थोड़ा सा गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। तो गाइस ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में आपको आ सकती हैं लॉन्ग रूट पे, तो इसका आप पहले से ही सॉल्यूशन करके चलें जब कभी भी आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो, और अपने साथ टूल वूल वगैरह सब कुछ रखें, पंचर किट्स रखें, तो ये भी आप कर सकते हैं। और बाकी आप अपनी जो बाइक है उसको जाने से पहले एक बार सर्विस से ज़रूर करा ले। मैंने सर्विस करवाई थी बट क्या हुआ, फोर्थ जो मैंने सर्विस कराई थी उसमें क्या हुआ, फुल इंजेक्शन निकाल दिया। हमारे नियर बाई जो मैं जहाँ से मैं कराता था वो नारायणा था, अब मैंने जहाँ से कराई है वो द्वारका से कराई है, और दिल्ली वाले जो लोग हैं, जो दिल्ली वाले ब्लॉगर्स जो हैं और दिल्ली वाले जो सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि द्वारका में दाबड़ी के पास में एक सर्विस सेंटर है TVS का, तो वहाँ से मैंने करवाई थी। वहाँ से उस बंदे ने क्या किया, वो न्यू तो था ही, उसने गाड़ी का ये टैंक हटा के फ्यूल इंजेक्शन जो होता है, जो अंदर जो जिससे फ्यूल छिड़का जाता है अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो आता है, वो क्या हुआ कि वो उसने निकाल के और उसकी सफाई कराई। वो तो बहुत अच्छी बात है, बट उसने उसको ना प्लग अच्छे से नहीं किया, तो रास्ते में वो क्या हुआ, वो खुल गया, तो फिर पेट्रोल गिरने लग गया और गाड़ी बंद हो गई। समझ में तो कुछ नहीं आया मुझे भी, ना ही मैं टेक्नीशियन हूँ बाइक का, और ना ही मुझे बाइक के पार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मैंने देखा, इधर उधर दुकान वालों से पूछा, 7:30 बज रहे थे उस समय, तो नहीं था वहाँ पे कोई भी मतलब ना टेक्नीशियन देखने वाला, तो मैंने थक हार के खुद ही गाड़ी खोलने के बाद मैंने जैसे ही इग्निशन ऑन किया, दोबारा पेट्रोल जहाँ से बह रहा था वहाँ मैंने देखा, तो जो फ्यूल में जो इंजेक्शन होता है, उसका जो बटन था वो सही से नहीं लगा हुआ था, वो मैंने फिर सही से लगाया गाइस, तब जाके मेरे जान में जान आई। और मैंने दोबारा ऑन किया उसको, तो पेट्रोल नहीं गिरा और बाइक सही रही। और गाइस मैंने दोबारा स्टार्ट किया बाइक को और अपनी जिस काम के लिए मैं जा रहा था उत्तराखंड, वहाँ मैं निकल गया। और वो सीन भी मैंने कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल माउंट ही नहीं था, पहली बात, इतनी जल्दीबाजी हो रही थी, जाना था
तो इस चक्कर में गाइस, तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले आप सर्विस करा लें और सर्विस अपनी आंखों के सामने कराएं। मैंने भी आंखों के सामने ही करवाई थी वो सर्विस, बट जब वो प्लग कर रहा था तब भी मैं देख रहा था उसको, बट जहाँ मैं नारायणा में गया जब टेक्नीशियन को बताया तो बोला उसमें एक आवाज़ आती है क्लिक की, जब फ्यूल इंजेक्शन में जो बटन्स होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो क्लिक की आवाज़ आती है, वो क्लिक की आवाज़ सुनी थी। मैंने कहा मैं इतनी दूर खड़ा हुआ था मैं कहाँ से सुनता क्लिक की आवाज़ तो वो था। तो गाइस ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको जब आप सर्विस करवाएं तो आप अपनी आँख को खुला और कानों को भी खुला करके रखें, तो ये है तो इसलिए गाइस। तो गाइस ये प्रॉब्लम ना कोई किसी के पास में भी आ सकती, किसी को भी हो सकती है, तो ना आपको पता होना चाहिए। अगर आप गाड़ी के टेक्नीशियन हैं और गाड़ी का आपको पता है तो आपके लिए ठीक है, और अगर आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता तो आपको दिक्कत आ सकती है। और गाइस यहाँ से ना जहाँ से हम अभी नई लोकेशन पे आए, यहाँ से कम 20 किलोमीटर है जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ से जो करोल बाग था वो कम से कम 8 किलोमीटर की रेंज में था, ये थोड़ा सा बढ़ गया। और गाइस आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगा, अगर आपने अपनी बाइक में कोई टायर अपग्रेड करवाया है और वो अच्छा है तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके उस टायर के बारे में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मुझे टायर डलवाना चाहिए, या फिर कौन सा आपने डलवा रखा है जो नॉन स्लिपरी हो, इवन जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो लॉन्ग रूट पे या फिर हाईवे पे, तो प्लीज़ आप मुझे वो बताइएगा कि अगर आपने कोई टायर अपग्रेड कराया है अपनी बाइक में, या फिर आपको पता है उसके बारे में नॉलेज है। मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी कंपनी का डलवाना चाहिए अच्छे से अच्छा, ताकि मेरी राइड अच्छी रहे, कोई दिक्कत ना हो। आई होप गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा। ये जो फ्लाईओवर है ये दाबड़ी का है और आगे सागरपुर है। और गाइस हम ना ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते हैं, ये देखिए हमारी स्पीड इतनी ही रहती है, अगर आपको दिख रहा हो हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते, वो लग रहा है आपको या स्क्रीन इस पर दिख रहा होगा फ़ोन पे कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, पर इतनी नहीं है, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो अगर आपकी लिमिट रहेगी आपकी बाइक की तो अच्छा ही रहेगा। दूसरा गाइस एक और बात बताना चाहता हूँ, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा, इस क्रैश गार्ड को लेके, इस क्रैश गार्ड को लेके ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके, और ऐसी भी कुछ नहीं है कि मतलब यार इसने मुझे दुखी कर दिया हो क्रैश गार्ड ने, बहुत अच्छा क्रैश गार्ड है, बट आपको दूसरी वीडियो के लिए वेट करना होगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, और जल्द ही मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो नौकरी करने वाला बंदा होता है ना, जॉब करने वाला, वो बहुत कम वीडियो लेके आता है, या तो छुट्टी होती है तब, या फिर किसी टूर पे जा रहा होता है तब, तो इसलिए गाइस। और हमारे टूर भी बहुत कम लगते हैं, और ये होता है कि हम मॉडिफिकेशन की एक्सेसरीज आपको दिखाते ही रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, तो इसलिए। तो गाइस जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी अच्छी मॉडिफिकेशन मैं इसमें करने वाला हूँ, अभी आपको और भी दिखाऊँगा, ठीक है गाइस।
तो मेरे साथ में बने रहिए और नज़ारों का मज़ा लीजिए। बस आप जब दुकान पे पहुँचेंगे तो मैं आपको उस दुकान का और उस ऑनर से भी मिलवाऊँगा, जिससे बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत अच्छा खासा। और वो चीज़ों को देख के बता देते हैं कि कौन सी आपकी बाइक में सूटेबल होगी नहीं होगी, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे वो जो मिरर आते हैं साइड वाले ऐसे वाले वो लगा लूँ लाइट वाले, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये विंडशील्ड है मजबूत, बट अगर वो गिरी या इन द सेंस मतलब किसी ने मारा तो ये टूट सकती हैं यहाँ से साइडों से, सो इस वजह से, तो इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। जब वो मना कर देते तो हम फिर अपने आप की भी नहीं सुनते, मतलब अपने आप की तो सुन लेते हैं पर उनकी हम ज़्यादा सुनते, क्योंकि वो टेक्नीशियन है यार, उनको पता होता है। ये तो खाली एक डायलॉग था आप सब लोगों के लिए, तो ऐसा फन भी होना चाहिए एक मोटो ब्लॉग करते वक्त। और गाड़ी ना यार बहुत ही अच्छी है यार, मैंने इसको फैब में लिया था 13 फैब को, और आज दिसंबर हो गया, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 10 से 11 महीने हो चुके हैं और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई यार इसमें, कभी भी किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत प्यारी बाइक है, अच्छा पावर है, पिकअप अच्छा है, रोड में क्लियर जो पकड़ है वो भी अच्छी है, ब्रेकिंग पावर भी अच्छी है, नो डाउट। हम हैंडल राइजर डलवाएंगे, वो हैंडल राइजर से ही आपका अच्छा खासा वो हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगी और आपकी थोड़ा सा हाथ में पेन भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं मेरी जो राइडिंग पोजीशन है, ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, अगर आप मेरे ये हैंड की तरफ देखें ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर ये होना थोड़ा सा हैंडल राइज करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है, तो इससे परफेक्ट हो जाएगी मेरी राइड वगैरह ना। अभी इसमें हम और भी चीज़ें अपलोड कराएंगे, अभी तो फिलहाल 1:30 बज रहा है। ये है भाई, ये देखिए, ये तो लोग होते हैं जो रोड पे कूड़ा फैला देते हैं, ऐसे लोग, और गाड़ी पे लिखा है आर्मी। ट्रैफिक के अंदर और बापू नगर देवनगर में हम एंट्री कर चुके हैं, जो कि ये आर्य समाज रोड है, और आज बुधवार है, आज भी गाड़ियों का तो लगा ही रहता है यार, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन चलती ही रहती है। हम पहुंच गए हैं ये कुछ ही मीटर की दूरी पे, SBI है और लग्जरी है, और ये रहे हमारे गुल उस्ताद, देखिए ये हैं। चलिए गाड़ी कहाँ लगाएं, कहाँ लगाऊं गाड़ी, और ये नसीम जी हैं, ये देखिए लगाते हैं अपनी थोड़ा, पकड़ो यार थोड़ा, पकड़ना पकड़ो, ए प्रभु अब लगाओ इसको, कैसे लगाओगे लगाओ ना आगे बस, ये लो
ये देखो ऐसे जल रही है, क्या लूज हो सकता है? दिक्कत आ गई इसमें। है? देख रहे हो गाइस, ये देखो। हाँ, जब फोर्थ सर्विस कराई थी ना, उसने टैंक उठाया था। इसकी वायर भी ना, उसकी गाइस क्या प्रॉब्लम आई है। फिलहाल अभी अर्थ की तार देख रहे हैं, अर्थ की तार देख के फिर देखते। ये देखिए गाइस, हल्की सी ये भी, ये देखिए चिपक गई भी गई है थोड़ी, या तो इसमें टेप लगेगी या तो कुछ होगा। देखते हैं क्या करते हैं, वायरिंग चेंज करते हैं। क्या हुआ है इसमें, तार कटी हुई है? कटी है? वो करो, इग्निशन ऑन करो, पहले इग्निशन ऑन करो, अब जलाओ। हाँ अब तो सही जल रही है गाइस, बिल्कुल मस्त। शायद पता नहीं कुछ आ गया होगा कुछ, ये कभी कभार ऐसे भी कर रही हैं ये, अभी भी थोड़ी सी है प्रॉब्लम। ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो अलार्म बीप करने लग गया, जैसे ही इग्निशन हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये बीप करना स्टार्ट कर देगा आपके मोबाइल। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा गैजेट है, छोटा सा है, 1 लाख की तरफ से। वायरिंग तार वार कटी होगी शायद, सो उसको दोबारा जोड़ के और दोबारा उसमें टेप लगा रहे हैं अच्छे से, ताकि दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। वायरिंग को अच्छे से टेप किया जा रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर ना वो लगा देना टाई, ताकि ऊपर की तरफ, ताकि ये इंजन से टच ना हो। जैसे इंजन के टच पे आ रही है, शायद ये टेप वो हो जा रही है, चिपक जा रही है और फिर छूट जा रही है। अच्छे से लगा देना टेप। मैं आपको ये बोल रहा था, ये वाले बम्पर प्रोटेक्टर, यार एक बार आपने वो लंबे वाले स्लाइडर दिखाए थे ना, इनकेस कभी गाड़ी ऐसे गिरे तो उस पर तो टिक है। हाँ हाँ दिखाओ तो सही कहाँ पे है। गाइस मैं ये सोच रहा हूँ जब आया हूँ तो यहाँ पे एक स्लाइडर लगा देता हूँ, ताकि इनकेस कभी गाड़ी गिरे तो सारा इम्पैक्ट उसी पे ही आए। चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं, अगर इस पर भी खरोच वरोच आ जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को ये टायर चेंज कराना है, आप बताना मुझे। ये थोड़ा सा स्लिपरी है, 140 सेक्शन का टायर लगाऊंगा इसमें, 130 हो गई। एक बार करना ऑन,
अब तो जलना ही बंद हो गई। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम आ गई है? स्विच पक्का? स्विच खराब है यार गाइस, इसका थ्री विन जो स्विच है ना वो सब गायब हो गया। इसको ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा खोल के और वो हीट वाला वो करके? मुझे लगता है आई थिंक इसके अंदर पानी। सील्ड? अच्छा गाइस, ये स्विच पूरा बंद है, इसको ना खोल सकते ना कुछ कर सकते, अब तो क्या करें? या तो फिर स्विच दूसरा लगाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर कौन सा स्विच लगाएं? यही वाला? ये तो फिर इसमें फिर दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा से अगर लगाएंगे तो? हैं? कौन सा वाला? अच्छा ये कितने का मिलेगा? यहाँ मुश्किल है ऑनलाइन? देखते हैं फिर क्या करते हैं गाइस, इसको फिर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। गोलू उस्ताद तो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही मंगाएंगे, ये सही से वर्क नहीं कर रहा है कि देखिए स्विच खराब हो गया। जो फोर सर्विस कराई थी उसमें जो सर्विस वाला है उसने इस पर जेट जो वाला है प्रेशर है वो उसने इस पर मार दिया था, उससे ये स्विच में पानी चली गया और ये खराब हो गया। अभी देख रहे हैं तार वायर को, क्या पता वायर थोड़ी बहुत वो हो गई निकल गई हो। गाइस एक छोटी सी गलती की वजह से ना वॉशरमैन ने जो प्रेशर से पानी मार दिया उस पानी की वजह से वो शायद स्विच में अंदर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर की वजह से वो काम नहीं कर रहा, या फिर ये भी हो सकता है कि वायरिंग में भी हो सकता है कुछ गड़बड़ी। देखते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो स्विच ही हो सकती है या फिर वायरिंग की हो सकती है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ये लाइट लगवा ली थी, अगर मैं बाद में लगवाता तो हार्नेस वाली भी लगा सकता था, बट ये विदाउट कपलर वाली है तो इसमें वायरिंग हो रखी है। अब सही वर्क कर रहा है ये देखिए, उस्ताद उस्ताद ही होते हैं। इग्निशन ऑन कर लो। अभी भी मुझे लगा था कि कार्बन आ गया होगा उसमें कपलर में तो इस वजह से। स्विच मंगा के रिले अच्छा, तो इसमें हार्नेस की वो भी तो डली हुई है, स्विच लगी हुआ है, स्विच लगा हुआ है इसमें। हाँ देखो ना इसमें लगा हुआ है, आपने लगा रखा इस तरफ है उस तरफ है, देख लो इस तरफ है शायद उस तरफ है, ये खोलो ना ये वाला। हाँ बैटरी तो यही होती है। क्या हो गया नसीम भाई?
मेरे को याद है कि इसमें स्विच लगा हुआ है और उस्ताद ने ही लगाया था, शायद उस्ताद को याद नहीं है बट हमें याद है। ये देखिए गाइस, इसमें ये स्विच होता है। ये एक तरीके का छोटा मोटा एक हार्नेस होती है, ये लगा रखी ताकि बैटरी पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। देखते हैं अगर ये चेंज करने के बाद अगर कुछ हो फर्क पड़ेगा। इसके स्विच के अंदर कार्बन भी तो जम सकता है ना? इसका इसका इस अच्छा, और इसका ये प्लग का ये टेस्ट कर रहे हैं, इसको देखते हैं, टेस्ट करके पता चलेगा। आगे चल के देखते हैं कुछ ना कुछ तो। अब तो ब्लू कर लिए लाइट है। क्या हुआ? हाँ ये तो खुल जाए, ऊपर टैंक उठाना पड़ेगा, पर टैंक उठाना पड़ेगा गाइस, टैंक उठा के ही पता चलेगा। और ये है गुल उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, कहाँ की कौन सी वायरिंग कटी हुई है, कहाँ क्या है, सब कुछ पता होता है। तो गाइस इनके पास आप आइए, अगर कुछ भी आपको वायरिंग से रिलेटेड कुछ भी बाइक में कुछ भी काम है तो आप इनके पास आ सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डाल दूँगा और आप देख भी सकते हैं। ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा ये सामने SBI है और ये चावला टाइल्स है और इसके जस्ट बगल में ये शॉप है और आपको ये पर्सन मिलेगा यहाँ पे जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। और जिसको नॉलेज होती है ना गाइस, उसी के पास में ही बाइक ठीक करानी चाहिए और बाइक की कोई भी एक्सेसरीज डलवानी चाहिए उसी में डलवानी चाहिए, अदरवाइज़ किसी से मत डलवाइए। आप करोल बाग में बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जो हम ये भी लगवा देंगे, हम ये भी ठीक कर देंगे, हम वो भी ठीक कर देंगे, तो ये सब आप, मैं बोलूँगा, मैं करोल बाग में हर हर एक दुकान पर गया हूँ, मुझे किसी का काम पसंद नहीं आया, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस दुकान का, बट जब से मैं इनके पास में आया तब से बेहतरीन है ये। तो आप इधर आइए और आपका हर एक काम, हर एक, ये पूरा पूरा ही उठेगा, ये नहीं, ये अलग से नहीं जाएगा, ये पूरा ही उठेगा। देखो कहीं से लॉक वॉक होगा, देखो कहीं से जुड़ा होगा उसका तार वार, है ना, नीचे से कहीं से वो होगा। मैं उठाऊं, हो गया? हाँ कहीं से, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा होगा। गोलू उस्ताद गाड़ियों का भी काम जानते हैं, अगर आपके पास गाड़ी भी है और अगर लाइटें वगैरह भी लगवानी है तो आप इधर आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा फ्री है तो इसलिए वो उधर लाइटों के पास चले गए। बाकी ये नसीम भाई है, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये और गाइस देख सकते हैं आप, अब अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से ग्लो कर रही है। इस पर ये आप देख सकते हैं, ये रिले लगाया है अभी, तो
ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्लीनर किस लिए? साफ करना पड़ेगा ना। ये तो है आपके पास? तो क्लीनर यार आपके पास वैसा भी तो पड़ा होगा यार। अब आपके पास शॉप में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसमें कार्बन वार्बन शायद जम गया, तो उसको निकालने के लिए चेन क्लीनर होता। इसको साफ करके लगाएंगे तो अच्छे से वर्क करेगा। ये लगाएंगे तो आपका रिले काम करना, क्योंकि इसमें रिले में क्या होता है कि आपका जो ये प्लग है इसमें जंग वंग लगा होता है, तो उसकी वजह से ये काम नहीं करता। अब दोबारा फिटिंग करके इसको लगा रहे हैं अंदर। देखिए गाइस अब इसको टाई से हम बांध देंगे तो ये इंजन पे इसकी जो तार है वो लगेगी नहीं इंजन पे। ये टाई इसीलिए होती है, जब फोर सर्विस करवाई थी उसने टाई वाई सब कुछ खोल दिया था, उसकी वजह से जो तार है जो टेप भी कर रखी थी आपने वो इंजन से चिपकने लग गई, और चिपक के वो उसने वो बिल्कुल चिपक गई, और वो उसने वायरिंग जो है वो वायरिंग को भी उसने चिपकने से और जलना बंद हो गया वायरिंग। जैसे उसके कांटेक्ट पे आएगी टेप हट जाएगी, और टेप हटने के बाद फिर वायरिंग भी छूट जाती है। ये भी है नहीं अभी भी ऐसे ही कर रही। रिले की प्रॉब्लम है गाइस, रिले की प्रॉब्लम है। रिले ढंग से साफ होगा, जो पुराना वाला जो रिले लगा हुआ था मुझे लगा शायद इसमें रिले नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम रिले लगा रहे हैं। बट अब रिले इसमें लगा हुआ था, इस रिले को निकाल के इसको अब दूसरी रिले लगाएंगे तो शायद क्या पता जो हो जाए ठीक। अब ये नई वाली रिले लेके आए हैं तो शायद ठीक हो जाए, देखते हैं क्या होता है। गाइस यही तो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक की, जो एक आम बंदा नहीं कर सकता, आपको टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी वायरें कनेक्शन ये सब अगर आप करने बैठेंगे तो फिर आप खुद ही पजल हो जाएंगे। हाँ जिनको आती है वो कर सकते हैं, और जिसको नहीं आती ना वो पजल हो जाएगा गाइस। तो ये अब देखिए रिले हिलाने पे भी ये नहीं हो रहा, देखिए अब सही से काम कर रही है। ये पासिंग ये वाइट है। तो प्रॉब्लम क्या थी? रिले की थी। हम ये सोच रहे थे कि शायद बटन ख़राब हो गया, बट बटन ख़राब नहीं हुआ थैंक गॉड। ये पासिंग का है देख सकते हैं आप, ये रिले की प्रॉब्लम थी, और रिले की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। रिले ख़राब था, रिले को चेंज करके दूसरा नया लगाया गया है।
तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लमें होती हैं, ये आपको पता नहीं चल पाएंगी। जब तक आप टेक्नीशियन के पास नहीं आएंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। तो ये बारीकी हैं बाइक की, इंजन की, तो इसको जो है वो बाइक वाला या टेक्नीशियन ही समझ पाएगा कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कहाँ से क्या वायरिंग फूकी है, ठीक है नहीं है। पहले हमने सोचा शायद फ्यूज ख़राब है, फिर हमने वायरिंग को चेक किया, वायरिंग के चेक करने के बाद फिर पता चला कि पूरी वायरिंग खोलने के बाद फिर पता चला कि रिले ख़राब है। तो रिले को दोबारा से जब ग्रीसिंग किया गया अच्छे से, उसमें शायद लगा कि शायद जंक है वही चल जाएगा, जब चेन क्लीनर से उसको साफ़ किया गया तो क्या हुआ कि वो फिर दोबारा से लगा के फिर दोबारा से जलाया गया तो फिर दोबारा से वो ख़राब हो गया। यानी कि रिले की जो प्रॉब्लम थी वो चेंज करने के बाद अब जाके ठीक हुई है ये लाइट है फोक लाइट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं गाइस, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे, ना ही कोई दूसरा बंदा समझ पाएगा, ये टेक्नीशियन ही जान पाता है। और गाइस फाइनली हमारी जो लाइट है वो ठीक हो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टैंक थोड़ा सा अच्छे से बैठा दीजिएगा, है ना, प्रॉब्लम ना आए बस। ये है गोलू उस्ताद बोल रहा है सही से वायरिंग टेपिंग कर देना, उनको ना कोई भी चीज़ ना अनवांटेड नहीं चाहिए, मतलब अनवांटेड मतलब कह सकते हैं कि मतलब अच्छे से काम करना और अच्छे से चीज़ों को असेंबलिंग करके लगाना बाइक में। कोई चीज़ें बेकार होती हैं, जल्दीबाजी में फिटिंग कर देते हैं तो वो उनको पसंद नहीं आता, वो काम करते हैं तसल्ली से और बढ़िया से। टाइम लगता है हर चीज़ को पूरा करने में, हर चीज़ को लगाने में, बट जो काम निखर के आता है ना, वो जब आप तसल्ली से करवाएंगे, अपना टाइम देंगे, तब अच्छे से आता है। और आप ये बोलेंगे कि जल्दीबाजी कर दो, ये कर दो वो कर दो, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को टूर पे जाना है, तो फिर क्या होगा कि वो जो टेक्नीशियन होगा ना वो जल्दीबाजी में ठीक करा के आपको दे तो देगा, फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए टेक योर टाइम, ठीक है, जब भी आप करोल बाग आएँ या यहाँ पर आएँ या किसी और के पास भी जाएँ तो टाइम लेके आएँ, ताकि आपका ऐसा होता है कि पूरा दिन लग जाता है। तो ये है गाइस, तो अब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो चुकी है, ये हमारा पासिंग का बटन है, बढ़िया। ये हार्नेस का काम करता है ये बटन पूरा, बट कभी कभार जब हम चला रहे होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जब हम अमूमन चला रहे होते हैं तो हाथ तो ऐसा रहता है, ये स्पीड का, ये हमें लगाना चाहिए था इधर, गलती से इधर लग गया, तो इतना हाथ जाता नहीं है इस पर क्योंकि ग्लव्स भी पहने होते हैं। ये है, अब बढ़िया हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ आइए और जो भी आपको काम करवाना है आप करा सकते हैं बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से। गाइस लोकेशन मैं डाल दूँगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप आके काम करा सकते हैं इधर। चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए यहीं विराम देते हैं, और आपसे यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे और भी वीडियो आती रहेंगी मॉडिफिकेशन की, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए गुड बाय, बाय, शब्बा खैर, नमस्ते, सलाम।